हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भरते हैं। प्रश्न नंबर एक, तो प्रश्न नंबर एक है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर तीन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए भाषाओं की सूची। क्वेश्चन नंबर चार, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। क्वेश्चन नंबर पाँच, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 2005 में। क्वेश्चन नंबर छः, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सात, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आठ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी 1945 में। क्वेश्चन नंबर नौ, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर दस, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी पंचायत प्रमुख। क्वेश्चन नंबर बारह, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ने। क्वेश्चन नंबर तेरह, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर चौदह, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी मानवाधिकार से। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सोलह, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी से। क्वेश्चन नंबर सत्रह, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी 73वां में। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी भारत। क्वेश्चन नंबर 23, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? 24 का ऑप्शन नंबर डी चीन ने। क्वेश्चन नंबर 25, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी 243।
ऑप्शन नंबर 28, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। क्वेश्चन नंबर 30, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1966 ईस्वी में।